देश में चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने दो राज्यों के चुनावों की तारीख दे दी है, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक तैयारियां शुरू हो गई है, तो वहीं दिल्ली में भी कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सिसोदिया की जमानत पर सवाल उठाए हैं और उनकी पैदल यात्रा को भी शर्मनाक बताया है। वक्ता आलोक शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सीए जी की रिपोर्ट को लेकर के आपने बड़े आरोप लगाए हैं, किस तरह से कांग्रेस इस रिपोर्ट को देखती है? देखिए, सीए जी की रिपोर्ट 11 रिपोर्ट हैं, वो तमाम विभागों से जुड़ी हुई हैं और उन रिपोर्ट के ऊपर दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी मरलिना कुंडली मारकर बैठ गई हैं। उनको विधानसभा के पटल पर नहीं पेश किया जा रहा है। हमारा सीधा सीधा आरोप है कि बहुत मोटे गबन और घोटाले हैं जिनको छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी विधानसभा के पटल पर उन रिपोर्ट को नहीं रखना चाहती। हमारी मांग है कि तुरंत विधानसभा के पटल पर वो रिपोर्ट रखी जाए ताकि देश की जनता और दिल्ली की जनता समझे कि उनकी जेब को कैसे काटा गया। सर, इसके साथ ही लगातार जिस तरीके से दिल्ली में चीज़ें हो रही है, वो पानी की समस्या हो या फिर बिजली के झटके लगने से मतलब की मौत हो जाती है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप किस तरह से देखिए, मैं समझता हूँ कि अपराध की जहाँ तक बात है तो दोनों लोग जिम्मेदार हैं। ना केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, ना चाणक्य अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। जहाँ तक बाकी चीज़ों की बात है जो राज्य सरकार के अधीन है, उसमें क्योंकि आधा मंत्रिमंडल तो कभी कोई अंदर चला जाता, कभी कोई बाहर चला जाता, पता ही नहीं चल रहा है कौन अंदर है कौन बाहर है। खैर, कुल मिलाकर ये है कि दिल्ली की दुर्दशा करने के लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। साथ के साथ सांसद इनके हैं लेकिन दिल्ली के लिए कोई बात नहीं करते। अभी करोल बाग में जिस तरह से पानी घुसा, 3 बच्चों की मृत्यु हुई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, एक चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं हुआ। दोनों की मिलीभगत है और दिल्ली का नाश करने के लिए दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। सबके बीच सर सवाल लगातार ये उठता है कि कांग्रेस आज जब विरोध कर रही है तो फिर आज से पहले उन्होंने जब भी कोई भी लीडर गिरफ्तार हुआ या फिर उन पर आरोप लगे तो उन्होंने कहा कि ये ईडी के द्वारा किया जा रहा है या फिर सीबीआई के पर प्रेशर के कारण ये सब हो रहा है और आज उन्हीं के खिलाफ कांग्रेस बात। देखिए, A1 टीवी के दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है और एक घोटालों का आरोप है। शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए, आज भी हम स्टैंड करते हैं, जमानत मिली है, अभी तक कोई बरी का तो कोई वो नहीं हुआ है। दूसरा है ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, वो नहीं होना चाहिए। उस मुद्दे पर भी हम आज भी अड़िग हैं कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग ना करे, विपक्षियों के ऊपर शिकंजा ना कसे, लोकतंत्र की निर्मम हत्या ना करे। चार जगह चुनाव की तारीखें आनी थी, 2 जगह की आई हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को देखते हुए वहां पर सुरक्षा बढ़ाने को लेकर के कहा गया है कि 2 राज्यों के चुनाव देर होंगे, इसे किस तरह से? देखिए, पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। बीजेपी के इशारे पर 2 राज्यों को छोड़ा गया है। जिस तरह से आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव अनाउंस किए हैं, बीजेपी चाहती है कि मोदी जी अपना झूठ का वही मंगलसूत्र, भैंस और खटिया और पता नहीं कौन कौन से भाषण देते हैं, वो उसी तरह के भाषण देते रहें और देश की जनता सुनती रहे। तो इलेक्शन कमीशन भी कान खोर कर सुन ले कि आप लोग मोदी जी के खिलाफ जा रहे हो। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन चाहते हैं, अब वो पता नहीं दिल से चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को मोदी जी दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लाल किले के प्राचीर से उन्होंने UCC की भी बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात की। लाल किले से मोदी जी को मतलब एक बहुत बड़ा झूठ बोलने का एक्सपीरियंस हो गया, मैं कहूँगा। लाल किले से जो जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। लाल किले से उन्होंने ये भी कहा था कि बेटियों से पूछते हैं कि घर कब आई थी, बेटों से भी पूछना चाहिए। मैं मोदी जी पूछना चाहता हूँ, अंकिता भंडारी के केस में RSS या BJP का कौन सा लीडर था वो, क्या वो लड़का था, उसका नाम आप बता सकते हैं? मोदी जी हमेशा से जो कहते हैं उसका विपरीत करते हैं। सर, इसके साथ अंतिम सवाल कि हरियाणा में अब तारीखें आ चुकी है चुनाव के, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं आप, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस का कैसा प्रदर्शन होगा और क्या तैयारियां? देखिए, हरियाणा जिस समय पर हुडा जी की सरकार कांग्रेस की 2014 में गई थी, हरियाणा नंबर 1 था। वो GDP ग्रोथ रेट में भी था, वो एजुकेशन के मामले में भी था, वो जॉब्स के मामले में भी था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में भी था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मामले में भी था। आज हरियाणा सबसे फिसड्डी है।
आज हरियाणा में 36.5-37% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा की जनता कमर कस के तैयार बैठी है कि बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। कांग्रेस पार्टी 3/4 बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर आलोक शर्मा जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।